जो आप बात कर रहे हैं ना, जो ये नोटबंदी के दौरान हम किसी को बता रहे हैं, अब वो हम तो तब आज भी कह रहे हैं कि जब नोटबंदी हुई तो लोगों को अचानक एक प्रॉब्लम तो हुई, लेकिन उस प्रॉब्लम में जो उद्देश्य था वो बहुत बड़ा था। पूरा हुआ उद्देश्य पूरा हुआ। इस देश में नरेंद्र मोदी सरकार के अपॉइंट किए हुए उनकी सम्मति से आए और फिर गए गवर्नर उर्जित पटेल या फिर देश का वित्त मंत्रालय, नोटबंदी के जो घोषित लक्ष्य थे उनको लेकर कोई भी देश के सामने आज तक स्पष्ट आंकड़े नहीं रखे गए हैं। सारे अर्थशास्त्री कहते हैं इससे जीडीपी को हिट मिलेगा, हिट मिला। देश की जीडीपी पिछले दो दशक में सबसे कम है ग्रोथ रेट। अगर नोटबंदी, एक्चुअली नोटबंदी तो थी नहीं, क्या था फिर? नोट बदली था, उसी को तो नोटबंदी कहते हैं कि जो नोट है वो नहीं चलेंगे, लेकिन उसको दे दीजिए दूसरे मिल जाएंगे, बाद दूसरे मिल जाएंगे। हाँ, तो ये नोट बदली था। नोटबंदी तो इसको गलत ढंग से कह दिया गया। नोटबंदी परफेक्ट वर्ड नहीं है उस अभियान के लिए, नोट बदली अभियान था। नोट बदली, आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार की ये जो सुविचारित और प्रख्यात सुप्रचारित कल्याणकारी योजनाएं हैं, इनका पैसा नोटबंदी के पैसे से आया, उससे बहुत फायदा हुआ है। कोई अर्थशास्त्री नहीं बता पा रहा है क्या फायदा हुआ। वो अर्थशास्त्री को छोड़िए, मनोज तिवारी अर्थशास्त्री को सुनिए ना, बताइए। मैं पूछ रहा हूँ, तो फिर ये जीडीपी क्यों गिर गई इतनी? जीडीपी का गिरना उड़ना कई और चीजों पे है, कई महंगाई का इंडेक्स, जीडीपी, आरबीआई से पैसा लेना पड़ रहा है, एलआईसी अपने एनपीए के मामले में पिछले 6 साल में सबसे बॉटम पर है। देखिए, अभी भी खुद मोदी जी ने कारोबारियों से कहा, तारीफ मत करिए, खुलकर आलोचना करिए, सही सही फीडबैक दीजिए। ठीक है, ये तो मोदी जी की यही खासियत है। पर जीडीपी? हाँ ठीक है, लेकिन पूरे विश्व की जीडीपी गई है। गीता गोपीनाथन ने बोला है कि 80% जो डेंट लगा है वो तो इंडिया की इकोनॉमी की वजह से लगा। पूरे विश्व का, विश्व का पूरा विश्व मंदी के दौर में है और पूरे विश्व की अपेक्षा भारत टिका हुआ है। लेकिन आज एक सबसे बड़ी जो चोट पहुंची है आतंकवाद पे जी, क्या उसको ये देश के अर्थशास्त्री लोग नहीं देखेंगे? नोटबंदी से आतंकवाद को चोट पहुंची है, भयानक चोट कहा गया था, लेकिन उसके बाद के जो आंकड़े आते हैं वो इस चीज की पुष्टि नहीं करते हैं। और वो आंकड़े केंद्रीय एजेंसी के रिलीज किए हुए हैं, चाहे वो नक्सल एरियाज के हों, चाहे वो कश्मीर के हों। जो जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को नोट संस्कृति में उसको खड़ा किया जाता था, वो नोट जैसे ही वो बंद हुआ, उसके कारण विदेशी जो नकली नोट आते थे उसकी बंदी हुई, उसके कारण ड्रग माफियाओं, इस एक फैसले से सारी बीमारियों का इलाज, उनकी सारी चीज वही धरी की बदल कर सकते थे, वो किस बैंक में जाती? पर देश का रिजर्व बैंक तो कहता है कि 99.8%, एक मोटा मोटा आंकड़ा, उतनी करेंसी वापस आ गई। 99.8% में 0.2% बचा ना, वो सारे पैसे से आतंकवाद हो रहा था। पॉइंट टू परसेंट का आंकड़ा तो देखिए कितना होता है।